क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। अभी स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की बॉल टेम्परिंग का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और कंगारू खिलाड़ी बॉल टेम्परिंग करते हुए कैमरे में कैद हो गया है और वो भी भारत के खिलाफ हुए वर्ल्ड कप मैच में। जी हाँ, कंगारू गेंदबाज एडम जेम्पा पर बॉल टेम्परिंग के आरोप लग रहे हैं और अब तो मामला आईसीसी तक भी पहुंच गया है और इस पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। तो आपको बताते हैं कैसे क्या क्या हुआ और अब इस मामले में क्या अपडेट है, लेकिन आप भी कंगारुओं की इस गंदी करतूत पर कमेंट जरूर करें। तो भारत की पारी के दौरान 12वें ओवर में ये गंदी करतूत सामने आई थी जब एडम जेम्पा को कप्तान एरन फिंच ने बॉलिंग के लिए बुलाया था। जब जेम्पा बॉलिंग के लिए आ रहे थे तो उसके हाथ जेब में थे और फिर जेम्पा ने जेब से कुछ निकाला जिसे साफ साफ कैमरे में देखा जा सकता था और फिर जेम्पा ने बॉलिंग शुरू की। यानी एडम जेम्पा ने कुछ तो गड़बड़ की थी जिसके बाद खासा बवाल हो गया, सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया, कंगारू ने फिर से बेईमानी की है। हालांकि कंगारू कप्तान एरन फिंच ने कहा कि जेम्पा अपनी जेब में हैंड वार्मर यानी हाथ गर्म करने वाला कपड़ा हमेशा रखते हैं और शायद वही होगा, मगर फिंच ने भी पूरी तरह बॉल टेम्परिंग को नहीं नकारा। अब आईसीसी ने भी इस मामले पर रिपोर्ट मांग ली है और अगर जेम्पा पर आरोप सही पाए गए तो उस पर लंबा बैन लग सकता है। वहीं भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने भी कहा है कि अगर ऐसा है तो ये बेहद शर्मनाक है क्योंकि अभी हाल ही में दो खिलाड़ियों का बैन खत्म हुआ है और फिर भी कंगारू ऐसा करते हैं तो ये बेहद निराशाजनक है। तो अब आपका इस पर क्या कहना है, जेम्पा पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।